नमस्कार, मेरा नाम सदनजड़। आप देख रहे हैं न्यूज़24 और हम इस वक्त बिहार विधानसभा के ठीक बाहर मौजूद हैं। इसी विधानसभा में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, बजट सत्र चलना है। बजट सत्र जो था उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, क्या उसमें बड़ा खेला होगा? क्योंकि कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दी हुई है। हैदराबाद से 36 किलोमीटर दूर वहाँ एक रिजॉर्ट में रखा गया है। ना उन्हें कोई फ़ोन से संपर्क कर सकता है, ना वो किसी से बात कर सकते हैं। जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक कुछ जो हैं, 9 या 11 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। क्या कांग्रेस की विधायक टूटेगी, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उन्हें कल यानी 8 तारीख को सम्राट चौधरी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पर भोज का आयोजन किया गया था। उस भोज में सारे विधायक पहुँचे थे और सारे विधायकों को तवज्जो दिए जा रहे थे और सारे विधायकों एक एक करके मिल रहे थे और पर्सनली वो सारे विधायकों से मिल रहे थे और उन्हें भोज में जो आमंत्रण किया था एक एक करके वो खिला रहे थे, यानी विधायकों को तवज्जो दिए जा रहे थे। लेकिन ठीक उसके अगले दिन यानी आज सारे विधायकों को ये फरमान जारी किया गया कि 10 और 11 को प्रशिक्षण के लिए बोधगया आप लोग शिफ्ट हो जाइए या चलिए वहाँ पे। और आज शाम तक, 9 फरवरी के शाम तक सारे विधायकों को बोधगया पहुँचना है। क्या भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है? क्या 4-5 विधायक उनसे भी नाराज चल रहे हैं, या उनके विधायक उस पाले में जा सकते हैं या विधानसभा में अब्सेंट यानी अनुपस्थित रह सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोग बड़े मैच के प्लेयर हैं, हम लोग बड़ा खेल खेलते हैं। उनके अन्य नेता दावे करते रहे कि खेला तो कुछ ना कुछ होना जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या 12 तारीख को खेला होगा? तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया के समक्ष नहीं आ रहे हैं, कोई भी बातचीत करने से वो लोग इनकार कर रहे हैं। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों मिलकर गोलबंदी करने में लगे हुए हैं? अगर कांग्रेस के विधायक अगर टूट जाते हैं, तो अगर जदयू के कुछ विधायक अगर टूट जाते हैं, तो सरकार नीतीश कुमार की बची रहेगी? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें नीतीश कुमार को अपना मोहम्मद दिखाना है कि मेरा बहुमत, नीतीश कुमार को 12 तारीख को अपना बहुमत साबित करना है कि हमारा बहुमत है और हम सरकार में बने रहेंगे, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जितने भी विधायक हैं राजद के विधायक तो टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर अंदर ना कुछ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी राजद के विधायक हैं या जिससे भी हमने बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 तारीख को ना कुछ खेला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। राजद कोटे से वो अध्यक्ष थे, वो इस्तीफा नहीं दिए। वो जब मीडिया से बोले कि हम इस्तीफा क्यों देंगे, किस बात का हम इस्तीफा देंगे, वो तो डायरेक्ट मीडिया के सामने मुकर गए कि हम इस्तीफा नहीं देने वाले। क्या जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की अलायंस में जब सरकार 2020 में बनी थी बिहार में, तो उस समय कुछ ही महीने के बाद सरकार गिर गई थी और फिर से राजद और जेडीयू अलायंस होकर सत्ता में आई थी, तो उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा हुआ करते थे, तो उन्हें आसन से उठा के उन्हें बाहर बैठा दिया गया था, यानी उठा के उन्हें फेंक दिया गया था। क्या ठीक उसी तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर के साथ भी ऐसा होने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वो बने हुए, वो इस्तीफा नहीं दिए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया है, अविश्वास प्रस्ताव पारित भी होना है उस दिन, और नीतीश कुमार को बहुमत अपना साबित करना है। सबसे देखने वाली बात यह है कि 12 तारीख को क्या RJD कुछ खेल करने में सक्षम है, या वो अपने खेल करने में कामयाब हो पाएगी या नाकामयाब होगी, या नीतीश कुमार अपने बहुमत को साबित कर देंगे। कुर्सी में बने रहने के लिए नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना 12 तारीख को जरूरी है, अगर वो कुर्सी में बने रहना चाहते हैं। और क्या जेडीयू के विधायक टूटेंगे, क्योंकि जेडीयू के कुछ सूत्र बता रहे हैं कि 5-6 विधायक का फोन ऑफ आ रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़24 पर मेरे सहयोगी मदन के साथ। मैं सदन जी, बिहार विधानसभा, पटना।